नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से। ये एक CM4SB हमारा जो मार्बल कटर रहता है, इसका रिपेयरिंग हम करने के लिए जा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में, इस मशीन के बारे में कमेंट किया था कि इसमें कितने कितने नंबर के बैरिंग लगते हैं और इसमें पार्ट्स का जो नाम रहता है वो क्या क्या रहता है। तो मैं जितना जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसमें जो जो भी पार्ट्स लगते हैं और बैरिंग नंबर जो भी इसमें यूज होते हैं, उसी सब बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। ये एक पुराना मशीन है जिसमें फील्ड कॉइल और आर्मेचर, ये दोनों में नए चेंज करने वाला हूँ। पूरा पार्ट्स मैंने सभी खुला कर रखा है, एक ये गियर वगैरह को छोड़ करके इसमें फिटिंग है। कैसे खुलता फिट होता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना आप, ताकि आप को कोई भी परेशानी फिटिंग में या फिर सामान के बारे में नहीं हो। और भी कोई यदि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके उसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो। चलिए इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भाग होता है हमारा, जिसे हम मोटर हाउसिंग बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं, अलग अलग एरिया वाइज अपने हिसाब से बोला जाता है। देख सकते हो इसके अंदर जो फील्ड कॉइल है, ये फील्ड कॉइल अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर डाला नहीं है अभी। इसके अंदर फील्ड कॉइल हम लोग को नया डालना, ये देख सकते हो। और ये जो मशीन है कैमरोन गोल्ड का है, और इसके अंदर लिखा हुआ है CG CM4SB मार्बल कटर। ये अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे गोल वाले मॉडल की मशीन रहते हैं, गोल वाला मॉडल जो हमारा CM4SA आता है, मैं तो उसका थोड़ी सी आपको बॉडी का जो सैंपल है दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये हमारा CM4SA, इसके ऊपर भी लिखा रहता है, यहाँ पर 4SA लिखा हुआ है, बाकी तो इस कंपनी ने अपना मेंशन कर रखा है। टर्बो कंपनी का एक जो मशीन था, तो इस तरह का गोल मॉडल रहता है CM4SA। ये जो हमारा 4SB का रहता है, ये थोड़ी चिपटा मॉडल रहता है, इस तरह से इसका जो साइज रहता है, तो इसको हम लोग 4SB बोलते हैं, इसके अंदर लिखा भी रहता है, ठीक है। ये CM4SA जो मैंने पहले दिखाया आपको गोल वाला, उसके मुकाबले में काफ़ी ताकतवर मशीन होता है और बहुत अच्छा रहता है। अब CM4SA में, और इसमें यहाँ पर जो ब्लेड का साइज रहता है, इसमें 110 mm लिखा हुआ है, 110 mm का जो ब्लेड आता है उसी का इसके अंदर खांचा सेट रहता है। 110 mm का ही हम ब्लेड डाल सकते हैं, 125 mm का ब्लेड नहीं डाल सकते हैं, जो कि 5 इंच का ब्लेड हम बोलते हैं। इसके अंदर 4 इंच का ही ब्लेड डाल सकते हैं, और जो CM4SA रहता है उसके अंदर 125 mm का, यानी 5 इंच का भी जो ब्लेड रहता है वो एडजस्ट हो जाता है, उसमें डाल करके हम वुड वगैरह कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको लोग अक्सर मार्बल कटिंग के यूज के लिए लेते हैं, और गोल वाला जो मॉडल है उसको वुड कटिंग में लेते हैं, और मार्बल कटिंग के लिए ये अब बहुत अच्छा मशीन रहता है। तो चलिए इसके बारे में बात करें। ये है हमारा मोटर हाउसिंग, इसको मोटर हाउसिंग बोला जाता है, जिसके अंदर हमारा कॉइल फिट होता है, ठीक है। और इसका फिनिशिंग अंदर से देख सकते हो, इसका जो बॉडी का है, बैरिंग टूटने के बाद में पिघले नहीं, यहाँ पर पूरा स्टील का जो ऊपर से इसको कवर किया गया है, पीछे की साइड से हालांकि खुल भी जाएगा और ये बाहर भी निकल आएगा अगर ख़राब होता है तो, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर कैमरोन गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है। ये है हमारा गियर बॉक्स, ये वाला जो एरिया हमारा प्लेट का लगा रहता है, इसको पतरा भी बोलते हैं और बेस प्लेट भी बोला जाता है इसको, और कहीं कहीं अपने हिसाब से एरिया वाइज बोलते भी हैं लोग। अब देखिए इसके अंदर यदि अगर कचरा वगैरह कुछ भी है, अच्छे से साफ कर लेना रहता है। अब इसमें बैरिंग की बात करें, एक देखिए यहाँ पर ये पतरे को एडजस्ट करने वाला नट रहता है, ये खुलता बंद होता है जिससे हमारा पतरा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये पतरा बोल्ट भी बोल सकते हैं और बेस प्लेट बोल्ट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चलिए बैरिंग की बात करते हैं, तो ये जो हमारा गियर बॉक्स रहता है, यहाँ पर एक छोटा सा बैरिंग यूज होता है, बिल्कुल छोटा सा, जिसका नंबर 606 नंबर का बैरिंग था, ठीक है। अभी यहाँ से ये अंदर फंस जाता है कभी कभी, इसको निकालने का प्रोसेस किसी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 606 नंबर का बैरिंग यूज होता है। इसी जगह पर अगर हम CM4SA की बात करें गोल वाले मॉडल की, तो उसमें यहाँ पर 626 नंबर का बैरिंग
यूज होता है, ये दोनों में डिफरेंस रहता है, लेकिन इसमें 606 नंबर का बैरिंग यूज होता है यहाँ पर इस जगह पर। अब बात करते हैं इसके बाद में ये हाउसिंग की। इसमें देखिए एक ये गियर, दो गियर हमारे आपस में कनेक्ट होकर के चलते हैं इस तरह से, तो ये तो हो जाता है हमारा गियर सेट। साथ में ये जिसमें हम एल बोल्ट और ए बी वसल लगाते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पिंडल। और ये हमारा गियर सेट हो गया, ये यहाँ से जो लंबा पूरा निकला रहता है यहाँ से यहाँ तक, इसको स्पिंडल बोलते हैं। ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। देखिए इधर पे एक रिंग भी लगा रहता है। अब इसको अगर खोलना है, इसका बैरिंग एक्सचेंज करना है, अगर हमको चेंज करना है, और ये जो हाउसिंग है इसको हम लोग हाउसिंग बोलते हैं, ये हाउसिंग ऊपर वाला जो ये मेटल का रहता है, ये हाउसिंग बोलते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर एक रिंग लगा रहता है, ठीक है, जो कि हमारा ए बी वॉशर को सपोर्ट करता है। मैं आप लोग को ए बी वॉशर भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये इस तरह से ए बी वॉशर जो लगता है, ये रिंग जो लगा रहता है इसको सपोर्ट करता है। ये रिंग डालना बहुत ज़रूरी रहता है, इस निकल आता है ये, अगर निकाल देते हैं, वरना देखिए अगर हमको यहाँ का बैरिंग चेंज करना है। अभी यहाँ पर बैरिंग कितने नंबर का आता है, इस गियर के नीचे यहाँ पर अंदर लगा रहता है, मैंने नहीं खोला हुआ है। यहाँ पर जो बैरिंग यूज होता है वो होता है 6002 नंबर का बैरिंग, 6002 नंबर का। इस स्पिंडल को नीचे ठोंकेंगे तो ये गियर के साथ में स्पिंडल और ये गियर दोनों बाहर आ जाते हैं पीछे के साइड में, और यहाँ पर अंदर जहाँ पर बैरिंग फिट होता है, बैरिंग के ऊपर एक लॉक लगा रहता है, जिसको हम इस तरह की प्लायर की मदद से उस लॉक को बाहर निकाल सकते हैं, और बाद में बैरिंग को बाहर निकाल करके यहाँ का बैरिंग चेंज किया जा सकता है। बैरिंग का नंबर होता है 6002 नंबर, ठीक है। इसको खोलने का प्रोसेस मालूम हो गया। डायरेक्ट इसको आप नीचे की साइड में हैंड प्रेस मशीन में या हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में आप लोग नीचे की साइड पुश करेंगे तो ये गियर और ये स्पिंडल जो हमारा लगा हुआ ये बाहर निकल जाएगा, बैरिंग वाला एरिया बैरिंग अंदर ही रह जाता है। बाद में एक लॉक लगा रहता है, जिसको इस तरह के प्लायर की मदद से लॉक को निकालेंगे और बैरिंग को हम लोग चेंज कर पाएंगे। ये हो गया हमारा हाउसिंग का सिस्टम। अब देखिए ये रहता है यहाँ पर हमारा आर्मेचर। अब आर्मेचर में हमारे दोनों साइड बैरिंग लगते हैं, तो आर्मेचर में भी कौन कौन से बैरिंग यूज होते हैं ये पता। यहाँ पर देखिए पीछे की साइड में यहाँ पर ये इस तरह का वॉशर है, तो ठीक हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप बैरिंग को यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो बैरिंग लगता है वो 608 नंबर का बैरिंग लगता है उसमें पीछे की साइड। इसको हम लोग इस तरह से सेट कर देते हैं, ये हमारा हो गया 608 नंबर का बैरिंग इसके अंदर लग गया, ठीक। अभी इधर की साइड में जो बैरिंग लगता है वो लगता है हमारा 629 नंबर का बैरिंग। 629 नंबर का बैरिंग हमारा यहाँ पर यूज होगा, तो देखिए यहाँ पर भी वॉशर है, इसको रख देते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ से ये जो बैरिंग है 629 नंबर का बैरिंग शायद नज़र आ जाए, ये देख लीजिए, तो इस वाले एरिया में हमारा 629 नंबर का बैरिंग लगता है। ये है एक टेबल फैन का स्वाप, हैंड प्रेस मशीन हाइड्रोलिक है तो उसमें भी रख करके आप सेट कर सकते हो, या फिर इस तरह से टेबल फैन का ये स्वाप है। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला हमको इसके साथ में अंदर वाले भाग के साथ में मैच करना इसके साथ में इस तरह से, ठीक है ना। अगर इससे बड़ा साइज का है, ये हमारा जो पतरा लगा हुआ है, इस एरिया के माप का हमारा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए ठोंकने का, और ना ही बाहर वाले का। अंदर वाले भाग को ठोंकेंगे अच्छे से सेट हो जाएगा, बाहर वाले भाग पे अगर लगेगा तो अंदर में जो इसमें पारे वगैरह और इसका जाली लगा रहता है बैरिंग का, वो ख़राब हो सकता है। तो आपको इस तरह से रखना है और इसको नीचे की साइड ठोंकना है अंदर वाले भाग को बैरिंग के। तो देखिए ये जो बैरिंग है हमारा, इसके अंदर सेट हो चुका है 629 नंबर का। अब यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है, ये लॉक जो कि हमारा गियर को लॉक करता है। इसी तरह से लॉक हमारा वैसे किसी किसी में लगा रहता है, लेकिन इसके अंदर लॉक नहीं लगा है, सेम 4SA में तो लग करके आता है, ठीक है। इस गियर के साथ में भी इस स्पिंडल में कट जैसा बना रहता है, जैसा इसमें बना हुआ है, तो उसमें भी लॉक लगाया जाता है। लगा है तो आप लगा सकते हो, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गियर को अच्छी तरह से फिट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से इस लॉक को इस तरह से सेट करना है, और ये जो गियर है इसका इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर रखेंगे, हल्का हल्का सा इसको ठोकर मारेंगे, तो देखिए ये जो गियर है ये सेट हो गए इसके अंदर, ठीक। इस तरह से इस गियर को सेट करेंगे। ये गियर हालांकि थोड़ी लूज है, इसमें लूज नहीं रहना चाहिए, पर मैं अभी इसके बीच में
ये जो गियर है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इतना कस्टमर का अभी खर्चा नहीं करवा सकता हूँ बिल्कुल। यदि अगर लूज है मतलब, तो देखो अभी तो थोड़ी बहुत तो टाइट है ही, और बहुत ज़्यादा यदि अगर गैप बन रहा है तो इसके ऊपर हम जो सेविंग करने वाला ब्लेड रहता है ना, क्योंकि इसमें अगर हम पंच मारते हैं तो ये हमारा बैंड होने का भी डर रहता है। ये स्पिंडल, ये जो सॉफ्टिंग लगी रहती है, कभी कभी बैंड भी हो जाती है कंपनी में, तो पतला सा जो सेविंग करने वाला ब्लेड रहता है ना, उसका इतना सा टुकड़ा काट करके, इतना सा टुकड़ा काटेंगे। अब जैसे ये चीज़ अगर हम इसमें इस तरह से लगाएंगे तो ये चीज़ हमारा कट जाएगी, कुछ भी पेपर वगैरह कुछ भी, लेकिन जो सेविंग करने वाला ब्लेड रहता है ना, उसको थोड़ा सा इतना साइज का कुछ कटिंग करेंगे, यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पर गियर को इस तरह से फिट करेंगे, तो ये गियर हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। तो अभी फिलहाल में मैं इसको यहाँ से इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया आर्मेचर का आगे पीछे का बैरिंग और गियर सेट, इसका भी मैंने बता दिया। ये इसको बोलते हैं हम लोग हाउसिंग, इसको बोलते हैं गियर सेट, ये बोलते हैं स्पिंडल, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, ये हैंडल का कवर हो गया। ये हो जाता है हमारा जब कॉयल को हमारा सपोर्ट करता है, यहाँ से जब हमारा कॉयल फिट हो जाता है, चलिए इसको बाद में बताता हूँ। ये हो जाता है हमारा स्विच, और इसको हम लोग बोलते हैं ए बी वॉशर, इसको बोलते हैं हम लोग एल बोल्ट, और ये जो दोनों हैं इसको बोलते हैं कार्बन पैप ढक्कन, कुछ भी आप बोल सकते हो। और यहाँ से ये जो लगे रहते हैं दोनों साइड में, इनको हम लोग बोलते हैं कार्बन होल्डर। ठीक है, कार्बन होल्डर बोलते हैं। तो चलिए अभी जो ये फील्ड कॉयल है, इस फील्ड कॉयल को हम इसके अंदर डालेंगे। इस फील्ड कॉयल को डालने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसमें समझाने वाला हूँ। देखिए, जो इसके नट हैं इसमें मैंने फंसा दिया था। वीडियो देखिए काफ़ी लंबा हो जाता है मेरा, वीडियो यदि अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब वीडियो लंबा ही होने वाला है। आप आगे पीछे करके वीडियो को जहां से आपको ज़रूरत हो आप देख सकते हो। ये आप CM4SB मॉडल का फील्ड कॉयल अगर आप बोलोगे मार्केट में, तो आपको बड़ी आसानी से ये कॉयल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग पावर टूल्स की नज़दीकी शॉप में जा करके इस कॉयल को परचेस कर सकते हो। प्राइस वगैरह देखिए, वीडियो आज बना रहा हूँ तो आज से कुछ टाइम बाद में इसका रेट वगैरह का कोई ठिकाना नहीं रहता है, सब अलग अलग हो जाता है। इसलिए मैं अब देखिए इसमें जो वायरों को बहुत संभालना रहता है। ठीक है, इस तरह से ये जो होल है इसके फील्ड कॉइल के, इनको हमको इन होलों के साथ में मैच करना है, जो यहाँ पर मोटर हाउसिंग में होल दिए हुए इस तरह से मैच करना है। और कोई पतला स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको इसके साथ में इस तरह से अटैच कर देते हैं, फिर बाद में हम इस फील्ड कॉइल को धीरे धीरे से अंदर की साइड खिसकाएंगे सेट करने के लिए। देखिए इस तरह से सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक वायर ये साइड में रहता है, तो इसको देख लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर इस जगह पर बीच में आ जाता है कभी कभी ये वायर, तो इसको संभाल करके साइड में खिसका लेना है अगर बीच में आ जाता है तो। अब देखिए यहाँ से इस वायर को बाहर की तरफ हम इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, और इसके जो वोल्ट है उन दोनों वोल्टों को हम लोग फिट कर देते हैं, ये जो स्क्रू लगे हुए हैं, तो इन स्क्रू को फटाफट से टाइट कर देते हैं। वीडियो लंबा है तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश भी किया है आप लोग को, ताकि बहुत ही बारीकी से इस मशीन का रिपेयरिंग समझ में आ सके। तो ये देख सकते हो मैंने दोनों स्क्रू को यहाँ से फिट कर दिया है। सबसे मेन परेशानी कहाँ पड़ती है मालूम है, ये जो कॉयल के वायर रहते हैं, ये कॉयल के जो वायर रहते हैं, इनको हमको इसके अंदर फिट करना रहता है कार्बन होल्डर को। दो इस टाइप का कोई थोड़ी एक चौरस जिसकी चौड़ाई काफ़ी हो, दो हमको स्क्रू ड्राइवर लेना है इनको सेट करने के लिए। ठीक है, अब जो इधर की साइड में हमारा कार्बन होल्डर का ये जो वायर निकला है, सॉरी कॉयल का ये स्प्रिंग वाला, इधर की साइड वाला इधर फिट करना है, और इधर की साइड वाला जो रहेगा वो साइड में फिट करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं उनको इस तरह से फिट करता हूँ, इस तरह से दो स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे। एक को ऊपर इस तरह से फंसा लेंगे, फंसा करके सपोर्ट करते हुए नीचे वाले को हम सेट करेंगे। काफ़ी
परेशान करने वाला काम हो जाता है। दूसरा, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी दिखाने की भी कोशिश करना है, तो मुझे भी टाइम लग सकता है। तो ये देख सकते हो कि एक साइड का जो है ना, इसको मैंने सेट कर दिया। अभी इसी तरह से दूसरी साइड का सेट करेंगे। इस तरह से सपोर्ट ऊपर की साइड से रखेंगे और स्प्रिंग को थोड़े नीचे की साइड दबाएंगे, तो देखिए दोनों साइड के हैं जो, ये हमारे सेट हो चुके हैं। इस तरह से देख सकते हो आप लोग। अभी चलिए इसका जो स्विच है और वायर है उसका कनेक्शन कर देते हैं यहाँ से। तो इसको इस तरह से हम ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये जो कॉइल कवर है इसको भी साथ साथ में लगा देते हैं। इस तरह से ये नोक बाहर निकला रहता है और यहाँ पर कट जैसा बना रहता है, तो इसको इस तरह से दबा करके सेट कर देंगे। अब देखिए इसका महत्व तो क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं। इसका महत्व तो ये होता है कि जब ये हमारा आर्मेचर घूमता है तो ये फैन लगा रहता है। ये फैन हमारा इधर की साइड से पीछे की साइड पे हवा कैच करता है, और हवा कैच करता है तो यहाँ पर जो हवा है ना वो इसके साथ में टकराती है, और यहाँ पर आपस में हवा जो फील्ड कॉइल आर्मेचर घूमता है इस जगह पर रोक करके रखती है, ताकि हमारा जो फील्ड कॉइल आर्मेचर है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। इस चीज़ सपोर्ट के लिए ये कॉइल कवर हमारा लगाया जाता है। किसी किसी एरिया में इसको वो फेल बोलते हैं, और मैं तो इसको अपने एरिया में कॉइल कवर ही बोलता हूँ। आप अपने हिसाब से इसका फ़ोटो ले करके, अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में तो आप संपर्क कीजिएगा, मैं आपको मंगवा दूंगा। किसी भी पार्ट्स की ज़रूरत रहे यदि अगर, तो आपको जिस भी एरिया से हो एड्रेस दोगे तो आपको कोरियर करवा दिया जाएगा। कोरियर के साथ में जो भी आपका चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर वायर, और ये देखिए एक स्लीव लगा रहता है यहाँ पर ये, ताकि ये ऐसा हैंडल में वायर को सपोर्ट किए रहता है अच्छे से, और बहुत ही अच्छा इस मशीन का मेंटेनेंस है। तो देखिए इन वायरों को भी हम इसके साथ में ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से इसको लॉक, जो वायर को लॉक करने वाला रहता है ये, ऊपर से इसको फिट कर देते हैं। दोनों साइड के जो स्क्रू इसमें लगे हुए हैं इनको फिट कर देते हैं। और भी कोई क्वेश्चन रहे आपके मन में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी है, आप कौन से एरिया से इस वीडियो को देख रहे हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट छोड़ जाया करो लिख करके, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन से एरिया से मेरे वीडियो को लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। अब देखिए ये दो वायर हमारे मेन कनेक्शन पे निकल गए, और एक जो फेल कॉइल का वायर है यहाँ पर, कॉइल के भी हमारे दो वायर निकले। एक कॉइल के वायर को हम यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह से। इसको ज्वाइंट करने के बाद में इसमें जो वायर टैप है उसको हमको यूज करना। तो इसके अंदर लगा देंगे हम इस तरह से वायर टैप, काफी वायर टैप को खींचते हुए लगाइए तो पकड़ अच्छी हो जाती है। इस तरह से अच्छे से खींचिए और लगाइए। ये लीजिए ये हमारे हो चुकी। अभी जो स्विच के कनेक्शन देने हैं, अभी हमारे दो पॉइंट बचते हैं। स्विच को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और एक एक पॉइंट पर स्विचों के हम लोग लगा देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही हमारा कॉइल को पावर मिलता है और हमारा जो मशीन है वो चालू होता है। इस वायर के बीच में इस तरह से स्क्रू को रखेंगे और दोनों साइड से सपोर्ट दे देंगे स्क्रू के बीच में, और इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से वायर को यहाँ पर फिट कीजिए। तो ये लीजिए कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर दूसरे को भी हम इसी तरह से कर देते हैं, वायर को इस तरह से बीच में से मोड़ लेते हैं, दो भागों में डिवाइडेड कर लेते हैं, और स्क्रू को इसके बीच में रख करके स्क्रू को यहाँ से लपेट देते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों कनेक्शन हो गए हैं। चलिए जो इसका हैंडल का यह कवर है
इसको हम यहाँ से फिट कर देते हैं। इसके जो भी स्क्रू लगे हुए थे उन स्क्रू को हम फिट कर देते हैं। तो ये जो चारों स्क्रू हैं इन सभी स्क्रू को हम लोगों ने फिट कर दिया है। कॉइल को एक कभी कभी पुराना कॉइल रहता है, मैं थोड़ी सी इसमें इसको टेस्टिंग करने का एक तरीका थोड़ी सी बता देता हूँ। ये जो हमारा वायर है, हमारा सीरीज बोर्ड रहता है, अगर आप रिपेयरिंग चालू किए हो तो सीरीज बोर्ड में हमको सबसे पहले किसी भी मशीन को बनाते हैं उसको सीरीज बोर्ड में टेस्टिंग करते हैं। तो सीरीज बोर्ड में ही इस दोनों पॉइंटों को लगाएंगे यहाँ से। सीरीज बोर्ड में लगाया है और यहाँ पर हम लोग ये जो पतला सा स्क्रू ड्राइवर है दोनों को इस तरह से कार्बन होल्डर के साथ अटैच करेंगे यहाँ से घुसाते हुए। स्विच को इस तरह से अगर दबाएंगे तो हमारा जो बल्ब है जितने वाट का भी सीरीज में लगाया है वो ब्लिंक होगा, और कोई ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेंगे जिसके अंदर मैग्नेट नहीं होगा, ठीक है। ये साइड में इस तरह से पकड़ाएंगे तो दोनों साइड में हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए। ये कॉइल हमारा है जो इस तरह से खींचेगा अपने आप चिपक जाएगा। अगर दोनों साइड में सेम सेम है तो आप समझ सकते हो कि फेल कॉइल का हमारा मैग्नेट बराबर काम कर रहा है। इस तरह से कुछ आप लोग संभालते हुए टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं उसको निकाल देता हूँ। अभी जो इसका ये हाउजिंग है ये बोल्ट हमारा बिल्कुल टाइट किया हुआ है। अभी इस हाउजिंग को बाद में ही फिट करते हैं, सबसे पहले यहीं से इसके ऊपर लगा देंगे ग्रीस। इस तरह से गियर के ऊपर अच्छे से ग्रीस हम लोग यूज कर देते हैं। ग्रीस यूज करने के बाद में इस तरह से आर्मेचर को हम लोग धीरे धीरे से फिट करते हुए हिलाते हुए इसको सेट करना है। ऊपर से थोकना नहीं है ज़्यादा, इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अभी चलिए ये वाला जो भाग है इसका, इसको हम लोग फिट कर देते हैं। सबसे पहले इतना करके और हमको मशीन को चालू करके देख लेना है, उसके बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए जो इसके स्क्रू रहते हैं स्क्रू को फिट कर देना है हमको। तो इस तरह से ये तीनों स्क्रू को हमने फिट कर दिया है। अभी चलिए इसके अंदर हम लोग एक कार्बन ब्रश डालेंगे और इस मशीन को चालू करेंगे। इस तरह से इसमें CM4SA मॉडल का जो कार्बन रहता है, सेम कार्बन दोनों में यूज होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन होल्डर है दोनों में एक ही साइज का यूज होकर के आता है, CM4SB में भी और SA में। इस तरह से हम इसमें डालेंगे कार्बन और इस मशीन को इसी पोजीशन में एक बार हम लोग चालू करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड के कार्बन, देखिए कार्बन हमेशा इसमें इस तरह से लूज रहना चाहिए, ठीक। इस तरह से ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि कार्बन जाम हो रहा है और आप लोग जबरदस्ती उसको फिट कर दे, ऐसे में क्या होगा, हमारा कार्बन आर्मेचर को खराब कर देगा। बराबर कभी टच होगा कभी नहीं होगा। इस तरह से प्रेशर हमारा स्प्रिंग यहाँ से दबाता है, कार्बन कभी भी कार्बन होल्डर के अंदर टाइट नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीरीज बोर्ड जो हमारा होता है सीरीज बोर्ड में इसको टेस्टिंग करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ से, अब मैं इसको एक बार डायरेक्ट चालू करता हूँ। देखते हो ये जो हमारा मशीन है बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं हो रहा है और इतना स्मूथली चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट मशीन चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अंदर वाला जो हमारा बैरिंग है यहाँ पर जो लगा रहता है, थोड़ी सी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी हम हल्का सा चारों तरफ ग्रीस का इस्तेमाल कर देते हैं गियर में,
तो इस तरह से हमने चारों तरफ इसमें भी ग्रीस का इस्तेमाल कर दिया है और इसको कर देंगे फिट। इस तरह से आराम से ये हमारा सेट हो गया है। अभी इसमें चार स्क्रू लगे हुए हैं, किसी किसी में दो लगे रहते हैं CM4SDD, लेकिन इसका हाउजिंग काफी हैवी है और जल्दी ख़राब होने वाला है नहीं है हाउजिंग इसका। और हाउजिंग को पूरा हाउजिंग और बैरिंग दोनों नहीं चेंज करना पड़ता है इसमें, खाली बैरिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें चार स्क्रू लगाया है ऐसे ही जैसे कैमरॉन प्रो वगैरह के या फिर 125mm का जो मशीन आता है डिग्री वाला उसमें भी अभी काफ़ी में ऐसे ही सिस्टम कर दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है अपने आप में। तो चलिए इन सभी चारों स्क्रू को हम इस तरह से टाइट कर देते हैं। अब मैं इनको बाद में और अच्छे से थोड़ी टाइट करूंगा। यहाँ से इसका जो एबी वाशर है यहाँ पर हो सके तो इस तरह से थोड़ी ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है मशीन इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ पर एक वॉल सील भी लगा रहता है रबर का गोल गोल रिंग, मेरे पास में फिलहाल में प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है, अगर है तो आप लोग डाल सकते हो पतला सा चारों तरफ जो कि हमारा पानी जाने से रोकता है। और इसको इस तरह से फिट करेंगे, इसका ए बी वाशर से लगाएंगे और इसका जो एल बोल्ट है इसमें थोड़ी सी ग्रीस यूज करेंगे। ग्रीस यूज करने के बाद में इसको हम इस तरह से फिट कर देते हैं। अब चलिए एक बार मशीन को और हम लोग चालू करते हैं और फाइनली ये मशीन हमारा अभी बन करके तैयार है। तो ये मशीन हमारा गियर फिट वगैरह लगाने के बाद में बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और कभी कभी आपको मशीन को थोड़ी देर चालू रखना है, कॉयल आर्मेचर नया डालो तो, और यहाँ से आपको अगर ज़्यादा गर्म हवा आ रही है या फिर इधर से जलने की जैसी कुछ स्माइल आ रही है तो आप लोग फील्ड कॉयल आर्मेचर को वापस से देख करके चेक कर सकते हो कि कहीं दोनों आपस में टचिंग तो नहीं है। और अगर टचिंग है तो आप लोग उसमें पैकिंग वगैरह साइड साइड में मेरे पिछले कई वीडियो में बताया है तो आप लोग देख सकते हो, पैकिंग वगैरह लगा करके उसको अच्छे से फिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा मशीन बन के तैयार है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।